नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। सरिया ने डालते हैं आज की खबरों पर। खबर यूपी के जनपद संत कबीर नगर कोतवाली क्षेत्र के नौरंगिया गांव के पास सरयू पंप कैनाल की नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल डूबकर बर्बाद हो गई, जिसकी जानकारी होने पर नाराज किसानों द्वारा खैलाबाद अम्बेडकर नगर मार्ग को जाम कर दिया गया। सूचना मौके होने पर पहुंची कोतवाली पुलिस द्वारा किसानों को समझा बुझा कर जाम को खत्म कराया गया, लेकिन नाराज किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर डटे रहे। मौके पर पहुंचे सदर SDM मौके पर जाकर किसानों के हुई फसलों की बर्बादी की असली निरीक्षण किया और किसानों को 100% बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। ग्राम प्रधान महेंद्र पाल चौधरी ने बताया कि नहर विभाग की लापरवाही से पिछले 5 सालों से यह नहर यहां पर टूट रही और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे मजबूर होकर किसानों को मार्ग जाम करना पड़ा। सभी किसानों की यह मांग है कि नहर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसानों को उनकी फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाए। इससे दिक्कतें क्या हो रही है, प्रशासन की तरफ से अभी क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से अभी कोई व्यवस्था नहीं है और दिक्कतें यह है कि हजारों बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है और हमारी मांग है कि सारे किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले और जल्द से जल्द ये जो नहर कटी है इसको बनाया जाए और अच्छी तरह से बनाया जाए ताकि भविष्य में फिर टूटे ना। कबसे दिक्कतें हो रही है? ये पिछले 5-6 साल से हो रही है दिक्कतें। किसकी लापरवाही? ये विभाग की लापरवाही है, XCN चोर है, हैं? और इस तरह से काम नहीं चल पाएगा। XCN कोई काम नहीं करा रहे हैं, 12 बजे के बाद से सबको लगातार सूचना दी जा रही थी, कोई नहीं आया। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं होती आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अब हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, किसानों के मुआवजे के लिए मांग करेंगे। जी महेंद्र पाल, ग्राम प्रधान प्रदीप कोनी। सर्वे किया सीओ साहब के साथ, गांव वाले भी थे, प्रदीप जी भी मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने डोर टू डोर करीब एकदम जहां जहां था हम वहां गए हैं, देखे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज है, अभी फसलें तो नुकसान हुई ही हैं। नहर विभाग की जिम्मेदारी है और जो कटिंग है उसके लिए वहाँ टीम काम कर रही है और हम अपने जिन जिन गाँव में नुकसान हुआ है फसलों का लेखपाल सर्वे करा करके जो जिम्मेदार है उसी को जाएगा नुकसान। सर पिछली बार भी नहर कटा था तो कहीं ना कहीं सरयू विभाग की लापरवाही की अब की बार वो सतर्क नहीं रहे, नहर फिर कर उस लापरवाही को हम DM महोदय के संज्ञान में लाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करा करके दोबारा ये घटना ना हो ऐसा कोई स्थायी समाधान नहीं। ठीक है, दिनेश चंद। ये किसकी लापरवाही से नहर कटी, कब तक कटी, क्या समझ रहे हैं? ये जो नहर विभाग वाले उनकी लापरवाही करती है और ये हर 5 साल से कट रही है, दोनों फसल किसानों का नहीं हो रहा है। जब भी फसल तैयार बोने लिए तैयार होते हैं उसके बाद में नहर टूट जाती है। इनको सूचना दिया जाता है, सूचना कई बार दिया गया लेकिन इनको पता नहीं है उससे, इनको तो जूते नहीं रेंगता है, एक बार चले जाते हैं देख करके चले जाते हैं। हाँ साहब, ये लगभग कम से कम 500 बीघा डूबा होगा। 1000? हाँ, क्या अभी नहीं रुका हुआ है, पानी बढ़ता जा रहा है।